नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान को सर्वोपरि बताते हुए नेलो के प्रदेश प्रवक्ता ओमकार सिंह ने कहा कि बहुत दुख और अफसोस की बात है कि कुछ ताकतें वोट की राजनीति की खातिर आपसी भाईचारा खराब कर रही हैं और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। लोकतंत्र के तीन स्तंभ न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के परस्पर मेलजोल और बैलेंस बनाए रखने की प्रत्येक क्रिया संविधान में स्पष्ट वर्णित है ताकि कोई भी अंग अपने आप को सर्वोपरि बनने या दिखाने की कोशिश न करे। इसके साथ ही लोकतंत्र के चौथे और महत्वपूर्ण अंग प्रेस की भूमिका भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की कामयाबी के लिए अहम है। कोई भी व्यक्ति यदि संवैधानिक व्यवस्था के विपरीत कार्य करने की कोशिश करता है या कराता है तो फिर कार्यपालिका का कर्तव्य है कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कानून अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि न्यायपालिका उसको नियमानुसार प्रक्रिया अपनाकर दंडित कर सके। कुछ दिन पूर्व अम्बाला शहर के स्थानीय विधायक और उनके साथियों ने संवैधानिक व्यवस्था के विपरीत भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ ली और इसके लिए कोई भी बलिदान लेने या देने की घोषणा की। विधायक और उनके साथियों की इस घोषणा को गैर कानूनी और असंवैधानिक बताते हुए ओंकार सिंह ने कहा कि इससे अल्पसंख्यकों की भावनाएं आहत हुई हैं। भारत हम सबका प्यारा है, इस गुलदस्ते में अनेक रंगों के फूल हैं, यही इसकी खासियत भी है और सुंदरता भी। उन्होंने अम्बाला प्रशासन से मांग की है कि ऐसे घटनाओं को अंजाम देने वालों के विरुद्ध सख्त कदम उठाते हुए कानूनी कार्रवाई करें ताकि भारतीय एकता और अखंडता को सुदृढ़ किया जा सके। अम्बाला से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। सभी को राम राम। साथियों, भारत में भारतीय संविधान सर्वोपरि है। लोकतंत्र के तीन महत्वपूर्ण अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, इन तीनों का भारतीय संविधान में बहुत ही बखूबी से वर्णन किया गया है ताकि इन तीनों में से कोई भी अंग अपने आप को सुप्रीम ना बन सके। भारतीय संविधान में इन तीनों को चेक एंड बैलेंस के तरीके से एक दूसरे पर हैवी ना होने देने की प्रक्रिया सुनिश्चित की गई है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ प्रेस है, जिसकी भूमिका इन तीनों अंगों में से अगर कोई भी गड़बड़ी करता है तो उसको उजागर करके दूसरे अंग को शक्ति प्रदान करना या फिर जनता को न्याय दिलाना होता है। बहुत ही दुख की बात है कि अम्बाला सिटी के विधायक असीम गोयल व उसके साथियों द्वारा पिछले दिनों भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ ली गई और इसके लिए ये कहा गया कि हम इसके हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कोई भी बलिदान लेंगे या देंगे। मैं बताना चाहता हूँ साथियों, 1947 का दंभ आज तक हम झेल रहे हैं। हमारे में इतनी ताकत नहीं है कि हम दोबारा 1947 को देखें। हम भारत के लोग हैं। इस भारत के गुलदस्ते में अनेक तरह के फूल हैं और यही इस गुलदस्ते की खासियत और खूबी है। मेरी प्रशासन से अपील है कि संविधान से खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे वो किसी भी धर्म, मजहब या पद पर क्यों ना आसीन हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भारत में रहने वाले किसी भी नागरिक का दिल ना दुखे, क्योंकि भारत में सभी को शांति प्रिय तरीके से रहने और आंदोलनरत होने की इजाज़त है। लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं है कि कोई भी व्यक्ति उठकर भारत को अपने नाम पर राष्ट्र बनाने की घोषणा कर देगा, यह कतई बर्दाश्त नहीं है और निंदनीय है। मेरी उच्च प्रशासनिक अधिकारियों से अपील है कि ऐसे दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।